हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुमिता अरोड़ा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। चलिए फिर आज भी किचन में चलते हैं और एकदम ही जबरदस्त, डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी बनाते हैं। मूली की भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून करीब ऑयल लेंगे। गर्म होने देते हैं ऑयल को। ऑयल अच्छा गर्म हो गया, अब इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देते हैं और इसको भुनने देते हैं। जीरा अच्छे से भुन गया, अब इसमें 1 टेबलस्पून करीब कुटी हुई अदरक डाल देंगे और साथ ही 3 हरी मिर्ची डाल देते हैं चॉप, और इनको भी 1 मिनट करीब भून लेंगे। 1 मिनट हो गया, अब इसमें 3 चॉप करे हुए टमाटर डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं इसको और टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक कुक कर लेते हैं। 5 मिनट करीब लग गए हैं और इस टाइम पे आप देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें डालते हैं। 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और 1 टीस्पून हमने इसमें अजवाइन डालना है। जब भी आप मूली की सब्जी बना रहे हैं तो अजवाइन ज़रूर डालें। और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाल देते हैं और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ों को। अब इसमें हमने मूली ऐड करनी है। 1 किलो हमने मूली ली थी, इसको हमने ग्रेट कर लिया था और अच्छे से ग्रेट करने के बाद आपने इसको निचोड़ लेना है, जो पानी हो सारा आप निकाल लें जितना आपसे निकल जाता है। और साथ ही इसमें जो मूली के पत्ते होते हैं ना, वो भी हम डाल देंगे। जो मोटी मोटी डंडी हैं वो आपने नहीं लेनी, पत्ते पत्ते आगे से आप लेके उनको भी अच्छे से वॉश करके चॉप कर लें। मिक्स कर देते हैं इनको। बहुत ही मज़े की ये भुर्जी बनती है मूली की। इसको आप पराठी के साथ खाएं, सर्दियों में गर्मा गर्म या रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना। अच्छे से ये मिक्स कर देते हैं सब। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया, अभी हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिक्स कर देंगे इसको भी अच्छे से और इसको स्लो फ्लेम पे हमने 10 मिनट और कुक करना है, जिससे सारे अच्छे फ्लेवर्स आ जाएंगे मूली में और ये पूरी तरह कुक भी हो जाएगी। इस टाइम पे आप देखिए मूली और इसके जो पत्ते हैं ना, वो पूरी तरह सॉफ्ट हो गए हैं, कुक हो गए हैं पूरी तरह। आप देख सकते हैं काफ़ी कम भी हो गई है क्वांटिटी में। बस ये बनकर एकदम तैयार हो गई है मूली की भुर्जी। फ्लेम हम ऑफ करते हैं। आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करें विंटर्स में, आपको बहुत पसंद आएगी। फिर आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।